Assalamualaikum everyone, this is your trainer Maimuna Nasir and I warmly welcome you all in this lecture. Today's lecture is related to effective proposals. कैसे आप proposal बेहतरीन लिख सकते हैं, sending by request, आपका आपको अगर by request show हो रही है तो आप किस तरह by request send कर सकते हैं, custom offer कैसे बना सकते हैं. आपके पास इंशाल्लाह अगर कोई ऑर्डर आता है, कोई बायर आता है, तो कैसे आप उसको ग्रैब करके रिपीटेड बायर बना सकते हैं. इसके अलावा आप रेजोल्यूशन सेंटर से कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज के लेक्चर में. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आप एक इफ़ेक्टिव प्रपोज़ल कैसे बना सकते हैं. प्रपोज़ल क्या होता है? प्रपोज़ल वो चीज़ है कि अगर एक बायर आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स छोड़ता है तो आप उसको कैसे ग्रैब करेंगे, ये बताते हुए कि भाई आप उसको उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हुए बेहतरीन काम प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है, आप क्या करेंगे कि जो प्रपोज़ल बनाएंगे उसमें सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगे. ठीक है, कि आप हैं कौन और आप जो है यहाँ पर क्या चीज़ प्रोवाइड करने के लिए आए. ठीक है, दूसरे नंबर पर आ जाएगा कि वो आपको क्यों चूज़ करेगा. ठीक है, या आप जो है उसका काम कैसे उसको कंप्लीट करके देंगे. ठीक है, ये सबसे बेहतरीन पार्ट होता है आपके प्रपोज़ल में, कि आप उसको इस तरह ग्रैब करें कि बायर मजबूर हो जाए कि वो आपसे ही काम कराएगा. ठीक है, तीसरे नंबर पर आ जाते हैं सैम्पल्स. डोंट आस्क मी कि आपके पास सैम्पल्स नहीं हैं या फिर जो है हम लोग सैम्पल कैसे बनाएं और क्या तरीक़ेकार हो सकते हैं. देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर आप अपने काम को एग्जीक्यूट करा रहे हैं, आप किसी और से काम करा रहे हैं, आस्क देम टू क्रिएट सैम्पल्स फॉर यू. ठीक है, अगर कोई ब्लॉग राइटर है तो ब्लॉग लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है. आप अपने दो चार ब्लॉग्स बना कर रख लें, जनरल ब्लॉग्स बना के रख लें जो किसी भी टॉपिक पर हों. अगर आप कोई स्पेसिफिक करके अपनी गिग्स को बना रहे हैं तो उससे रिलेटेड आप एक दो ब्लॉग्स बना कर रख लें, वो आपके सैम्पल्स हो जाएंगे. उसके ऊपर वाटरमार्क लगाएं और आप अपने क्लाइंट को अपने प्रपोज़ल के साथ अटैच करके सेंड कर दें. ठीक है, अगली जो चीज़ होती है वो ये होता है कि अपने प्रपोज़ल को एंड करने से पहले कोई इस तरह का क्वेश्चन बनाकर लास्ट सेंटेंस लिखकर भेजें कि अगर आपका बायर आपसे इंस्पायर हो जाता है, आपके प्रपोज़ल से इंस्पायर हो जाता है, तो वो आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको इनबॉक्स करें. ठीक है, तो हमेशा अपने प्रपोज़ल को किसी ना किसी क्वेश्चन पे ख़त्म करें ताकि वो आपको आंसर देने आपके इनबॉक्स तक ज़रूर आए. पास यहाँ पर ऊपर कुछ ऑप्शंस आ रहे होते हैं. ठीक है, ये ऑप्शंस चेंज भी होते रहते हैं. अगर किसी वक्त में आपको मोर का ऑप्शन यहाँ दिखे, मैसेजेस का ऑप्शन यहाँ दिखे, डैशबोर्ड का ऑप्शन यहाँ पर कहीं दिखे, तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि फाइवर को कुछ हो गया. नहीं, फाइवर अपनी जो है वो चेंज करता रहता है, ये पोजीशंस अपनी चेंज करता रहता है, तो इसमें इतनी कोई परेशानी की बात नहीं है. यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं जिसमें एक ऑप्शन है मोर का. मैं क्या करती हूँ कि सिंपली मैं मोर के ऊपर जाती हूँ, क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पर मुझे बायर रिक्वेस्ट हो रही है. ठीक है, जब मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर इस तरह करके मेरे पास कुछ बायर रिक्वेस्ट्स आ रही हैं. ठीक है, ये बायर रिक्वेस्ट होती क्या है. अच्छा, आपने अभी तक सीखा कि गिग्स किस तरह बनानी है और आपको मैंने ये भी बताया कि कैसे बायर जो है आपको आपके कीवर्ड से सर्च करके आपकी गिग तक भी पहुंचेगा. और मैंने बहुत सारे इस तरह के माशाल्लाह मेरे स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त ऑर्डर्स जिन्होंने लेने स्टार्ट भी कर दिए, और कुछ इस तरह के हैं जिनके पास मैसेजेस आने शुरू हो गए. एक तरीक़ाकार ये होता है कि आपने अपनी गिग बना के डाल दी, को आपने ऑप्टिमाइज़ किया, गिग की रैंकिंग अच्छी हो गई और फर्स्ट पेज पे सेकंड थर्ड पेज तक आपकी अगर गिग अपेयर हो रही है तो बायर आपको सर्च करते हुए खुद ही से आपके पास पहुंच गया. दूसरा तरीका कार ये होता है कि मोर के ऑप्शंस में जाकर जिस तरह आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बायर रिक्वेस्ट शो हो रही होती है. अब
एक तरीका ये था कि बायर आपके पास खुद आ रहा था, ये दूसरा तरीका है जिसमें आप बायर के पास खुद जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं देखती हूँ तो डिफरेंट बायर्स हैं जिन्होंने ये रिक्वेस्ट को पोस्ट किया हुआ है। बायर्स रिक्वेस्ट क्यों डालते हैं, इसकी दो वजूहत हो सकती हैं, टू मेजर रीजंस हो सकती हैं। एक तो ये कि बायर के पास टाइम ना हो, ठीक है, कि वो जाए और वो स्पेसिफिकली जो है सर्च करे, गिग को सर्च करे अपने कीवर्ड से रिलेटेड या अपने वर्क से रिलेटेड, एक तो ये वजह हो सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि शायद कि उसने सर्च किया हो लेकिन उसको रेलिवेंट जो है सेलर ना मिल सका, उसने एक दो सेलर से बात की हो लेकिन उसको ज़बरदस्त किस्म का कोई काम अभी तक नहीं मिला हो, तो उसने यहाँ पर बायर रिक्वेस्ट लाके डाल दी है, जो बेहतरीन सेलर उसको अपना प्रपोजल लिखकर सेंड करेगा वो सिर्फ कांटेक्ट कर लेगा, ठीक है। ये दो एक दो वजूहत होती है कि बायर रिक्वेस्ट यहाँ पर बायर बायर रिक्वेस्ट डालता है। अब आ जाते हैं कि बेसिकली बायर रिक्वेस्ट होती क्या। यहाँ पर देखें, मेरे पास फाइवर इस ऑप्शन को दे रहा है कि 10 ऑफर्स लेफ्ट टुडे, एक सेलर एक दिन के अंदर 10 ऑफर्स जो है वो सेंड कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर मैं इस बात को मेंशन करना लाजमी समझूंगी कि कुछ सेलर्स इस तरह के होते हैं जिनके पास बाय रिक्वेस्ट शो ही नहीं होंगी, या जिनके पास गिनी चुनी बाय रिक्वेस्ट शो हो रही होती है, ठीक है। ये आपके बायर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से सेलर को चूज़ करता है, या वो लेवल 1 सेलर को चूज़ कर रहा है, लेवल 2 सेलर्स को चूज़ कर रहा है, या फिर वो नो लेवल सेलर को चूज़ कर रहा है। एक ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है कि अगर आपकी गिग्स नहीं बनी हुई, ठीक है, कुछ लोग इस तरह के होते हैं एक गिग बना ली और उसके ऊपर वो बैठ के वेट कर रहे होते हैं कि जी बाय रिक्वेस्ट है, तो ये उनके लिए बहुत ही मुश्किल क्रिएट करेगा, क्योंकि 1, 2, 3 गिग्स के ऊपर कुछ ज़्यादा या फिर कोई बाय रिक्वेस्ट शो नहीं हो रही होती, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि आप कम से कम 5 से 7 गिग्स बनाएं ताकि आपके पास ये बाय रिक्वेस्ट शो नहीं शो, ठीक है। अच्छा, फिर ये है कि जो टैग्स आप लोग यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, वो बायर जो है या सब कैटेगरीज आप यूज़ कर रहे होते हैं, देखिए जैसे ये है, ठीक है, अब वो टैग से रिलेटेड या सब कैटेगरीज से रिलेटेड आपके पास यहाँ पर बायर रिक्वेस्ट हो रही होती हैं। लाइक जैसे कि मैंने अपनी बायर सॉरी टैग में मैंने जो कीवर्ड्स यूज़ किए हैं या फिर जो मैंने टैग्स यूज़ किए हैं, आपका बायर जो उसी टैग से रिलेटेड काम दे रहा है तो वो मेरे पास शो होंगी, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, देखें यहाँ पर मेरे पास आ रही हैं सब कैटेगरीज। अब मैंने चूँकि अपनी प्रोफाइल को सिर्फ और सिर्फ राइटिंग से ही रिलेटेड रखा हुआ है, मैंने अपनी प्रोफाइल में किसी किस्म की डाइवर्सिटी नहीं कायम की हुई। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, लेवल जब आप अप कर लेते हैं, लेवल 2 सेलर पहुंच जाते हैं, तो ठीक है आप अपनी किसी ना किसी और स्किल को ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को इतना रिकमेंड नहीं करती। मैं कहती हूँ ज़्यादा बेटर है कि स्पेसिफिक होकर ही चलें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखते हैं मेरी सब कैटेगरीज में शो हो रहा है रेज्यूमे राइटिंग एंड लिंक्डइन प्रोफाइल, चूँकि मैं इन दोनों का काम प्रोवाइड कर रही हूँ। लेकिन मेरे पास कुछ इस तरह के भी रिक्वेस्ट शो होंगी जिसके अंदर इन दोनों चीज़ों से रिलेटेड वर्क नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पर मेरे सामने एक जो है रिक्वेस्ट हो रही है जिसके अंदर लिखा है कि आई एम लुकिंग फॉर लोगो एंड कंटेंट राइटिंग, ठीक है। ये साहब जो हैं वो कंटेंट राइटिंग भी मांग रहे हैं और लोगो डिज़ाइनिंग भी मांग रहे हैं। मैंने कहीं ना कहीं अपनी किसी ना किसी गिग के टैग वगैरह में कंटेंट राइटिंग को यूज़ किया हुआ होगा, इसलिए इन साहब की बाय रिक्वेस्ट मेरे पास शो हो रही है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये देखें रेज्यूमे राइटिंग फॉर सीईओ मैनेजमेंट, हाउ एवर आई विल, ये जो कुछ भी इसने बहरहाल यहाँ पर मुझको रेज्यूमे राइटिंग से रिलेटेड शो हो रही है। आगे देखते हैं तो ये कवर लेटर से रिलेटेड शो हो रही है जो कि मैंने अपने टैग्स में यूज़ किया हुआ है चूँकि मैं काम प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए आ गया लिंक्डइन, लिंक्डइन
लिंक्डइन प्रोफाइल, ठीक है, क्योंकि ये मेरा वर्क है और मैं इस कैटेगरी पे काम कर रही हूँ, मैंने टैग जो है अपने जो है वो इसी सर्विसेज पर बनाए हुए हैं, ठीक है, डाले हुए, मैंने टैग्स इन सर्विसेज पर रखे हुए हैं। यहाँ पर एक चीज़ को मैं मेंशन करना बहुत ज़रूरी समझूंगी कि फ़र्ज़ करें कि एक मैंने एक निच के ऊपर प्रोफाइल बनाई है और मेरे ही किसी साथी ने सेम ही निच के ऊपर प्रोफाइल बनाई है, सेम ही हम लोग जो हैं वो गिग्स बनाकर बैठे हैं सेम स्किल के ऊपर। अब उसके पास बाय रिक्वेस्ट कुछ और शो हो रही है, मेरे पास बाय रिक्वेस्ट कुछ और शो हो रही है, उसकी मेजर रीज़न ये है कि टैग्स हमारे डिफरेंट हैं, ठीक है, आया कि हमारी गिग्स भी एक ही स्किल के ऊपर हैं लेकिन हम लोग टैग्स डिफरेंट यूज़ कर रहे हैं। अब जो भी बंदा टैग्स को इंटेलिजेंटली यूज़ कर लेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने टैग्स को किस तरह इस्तेमाल करना है, उसके पास ही रेलिवेंट, ठीक है, रेलिवेंट, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास इररेलीवेंट बाय रिक्वेस्ट भी शो हो रही होती हैं, उनके पास फिर रेलिवेंट जो है रिक्वेस्ट शो होंगी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हम एक अट्रैक्टिव बाय रिक्वेस्ट किस तरह सेंड कर सकते हैं, ठीक है। एक तो चीज़ आप लोगों ने जहन में ये रखनी है कि कम से कम ऑफर्स जिसके ऊपर हों कोशिश कीजिए उसको भेजें। यहाँ पर अगर कोई मेरे पास ऑफर शो हो रही है जिसके ऊपर लोगों ने 105 जो है ऑफर्स वो ऑलरेडी सेंड कर चुके हैं, या कोई $5 का काम है और उसके ऊपर इस तरह की ऑफर्स जा चुकी हैं, तो ये अब मेरे लिए इतना कारामत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये देखें कि कोई इस तरह की, अच्छा मेरे पास कुछ सारी इसी तरह की हैं जिसके अंदर कम लोगों ने ऑफर सेंड की हुई है, लेकिन लोगो डिज़ाइनिंग हो गया या वीडियो एडिटिंग हो गया या इससे रिलेटेड कोई और चीज़ हो गई जिसके ऊपर, जैसे कि मैंने आपको बताया था डेटा एंट्री हो गया, किसी काम की नहीं है ये नेचर, इसलिए कि ये बहुत ही हाई इन कंपटीशन होती है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इसकी जो इनकम है वो अकाउंट के बहुत ही कम पेमेंट पे हो रही होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपने देखना है कि ऑफर्स कम हो, उसका भी बेहतरीन तरीका मैं आपसे शेयर करती हूँ कि रात तकरीबन 9-10 बजे के करीब आप बैठें और रात 2-3 बजे तक आपको बेहतरीन रेलिवेंट बाय रिक्वेस्ट भी शो होंगी, ठीक है। इसके अलावा चूंकि वो अंग्रेज़ों की सुबह हो रही होती है हमारी रात हो रही होती है, इसलिए वो इस टाइम पर बाय रिक्वेस्ट भी ज़्यादा डाल रहे होते हैं, और बेहतरीन तरीके से बाय रिक्वेस्ट सेंड करने का तरीका टाइमिंग्स भी वही होती हैं, क्योंकि उस वक्त तक बाय रिक्वेस्ट बहुत ही कम लोग सेंड कर चुके होते हैं, ठीक है। बहरहाल आगे चलते हैं, अगर मैं बाय रिक्वेस्ट की बात करूं तो एक बेहतरीन प्रपोजल कैसे लिखा जाता है, जैसे कि मैं इस बाय रिक्वेस्ट को खोल कर देखती हूँ, आई एम लुकिंग फॉर रेज्यूमे राइटिंग फॉर सीईओ एंड मैनेजमेंट, हाउ एवर आई विल नीड अ न्यू रेज्यूमे डिज़ाइन एंड आई डिडेंट हैव एनीथिंग टू राइट बट आई हैव बेस्ड प्लेन रेज्यूमे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिंपल इस जगह पर जाना है और यहाँ पर जाकर सेंड ऑफर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट जो है वो मेरी गिग्स ओपन हो गई हैं, मैं क्या करूँगी इसमें से जो रेलिवेंट मेरी गिग है उसके ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर डिस्क्राइब योर ऑफर का मुझे ऑप्शन आ गया है। मैं सिंपल क्या करूँगी कि यहाँ से जाकर ये मैंने एक प्रपोजल लिख कर रखा हुआ है, वो भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन अपनी देनी है, ठीक है, उसके बाद आपने बताना है कि वो आपको क्यों चूज़ करेगा, आपको सबसे पहले अपनी इंट्रोडक्शन देनी है, फिर आपने इस तरह डिस्क्राइब करना है कि बायर आप ही को क्यों चूज़ करे, तीसरे नंबर पर आपके पास अगर सैम्पल्स हैं तो अटैच करें, वो भी अटैच करने का तरीका ये है कि आप डायरेक्ट इसको अटैच नहीं कर सकते, आपने क्या करना है कि आप इसको क्वेश्चन लिखकर सेंड करेंगे और उसे कहेंगे भाई आओ तुम मेरे पास आओ मेरे इनबॉक्स में और आकर तुम मुझसे डिस्कशन करो, मैं तुमको बेहतरीन तरीके से अपना काम प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। कर लिया, मेक श्योर कि आपके जो बायर है उसके सामने में, वो भी मैं बताती हूँ कि प्रपोजल पहुँचेगा कैसे, ठीक है।
आपने रीडेबल रखना है, बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं करनी, जिसकी वजह से जो है कोई ना कोई मसला ना हो, रीडेबल ना हो और बायर जो है वो घबरा के पढ़े ही नहीं, ठीक है। सबसे पहले ग्रीटिंग्स, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम, जो आपका नाम है वो लिखे, आई एम प्रोवाइडिंग माई सर्विसेज एज अ प्रोफेशनल डैश डैश ऑन डैश डैश फॉर मोर देन डैश ईयर्स, ठीक है। या आपने लिखना है कि जी आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है, क्या आप प्रोवाइड कर रहे हैं और आप काम क्या कर रहे हैं, ठीक है। दस आई कैन प्रोवाइड यू द इक्वल वर्क विथ जो है फ्रूटफुल रिजल्ट, एज आई नो दैट यू नीड। अब आपने यू नीड के बाद जो उसकी रिक्वायरमेंट जो उसने अपने जो है रिक्वेस्ट में डाली हुई है वो उठाकर यहाँ डाल देनी है, ठीक है। मेक श्योर आप उसके पेन पॉइंट्स को पकड़ रहे हैं, यानी कि जो उसकी नीड है वही आपने यहाँ पर लिखनी है, आपने सिर्फ अपने बारे में बात नहीं करते जाना, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि यू नीड, आपने उसकी रिक्वायरमेंट लिखी, आई एम श्योर यू विल सेटिस्फाई विद माई क्वालिटी रेंज ऑफ सर्विसेज एंड आई विल हेल्प यू टू ब्रिंग एन डैश गुड रिजल्ट, या जो कुछ भी है। ये आपने अपने हिसाब से बाय रिक्वेस्ट बनानी है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल और सैम्पल, ठीक है। सो यू विल गेट इम्प्रूवमेंट ऑन योर विद द हेल्प ऑफ माई फॉलोइंग स्किल्स। अब आपने यहाँ पर एक दो स्किल्स अपनी डाल देनी है, क्या क्या स्किल्स हैं आप वो एक दो डाल देंगे, ठीक है। आर यू इंटरेस्टेड, ये एक क्वेश्चन आ गया। ऑल माई वर्क इज अटैच बिलो, इसको छोड़ दें, आप उसे कहें फॉर माई सैम्पल्स कॉन्टैक्ट मी बैक, ठीक है। आगे लिखें एंड आई कैन प्रोवाइड मोर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन माई सर्विसेज, इसको भी आप देख लें, ठीक है। जो भी जैसे भी आपने ठीक करना है, इफ़ यू हैव एनी क्यूरी पिंग मी बैक, इस क्वेश्चन से और इस सेंटेंस से वो आपको पिंग करेगा बाद में, ठीक है। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स एंड डूइंग बिजनेस विद यू, ठीक है। यूं करके आपने यहाँ पर लिख दिया, टोटल ऑफर अमाउंट लिख दिया जो भी आप प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, फर्स्ट करें मैं $20 डाल देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं मेंशन करूँगी, अगर कोई $5 का काम दे रहा है और आपको लगता है कि आप वो काम कर सकते हैं, यहाँ पर एक सेंटेंस ऐड करें कि माई वर्क वर्थ इज मोर देन योर बजट, आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई प्रोफेशनल वर्क या टाइम ऑन दिस लोएस्ट बजट, या कुछ भी इस तरह करके लिख दें। और साथ ही लिखें माई जो भी आप प्राइस कोट करना चाहेंगे आप ये लिखें, वाई माई प्राइसेज आर हाई, बिकॉज आई एम प्रोवाइडिंग अ प्रोफेशनल वर्क, ठीक है। बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं जो $5 में पूरा हाथी खरीदना चाहते हैं, ठीक है। डिलीवरी टाइम आपने दे दिया जो आपको सूटेबल लगता है, नंबर्स ऑफ रिविजन डाल दिए, ठीक है, आज फॉर गेट रिक्वायरमेंट्स डाल दें, ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने इन द एंड यहाँ पर ये जो ऑफर स्कोप है वो आपने सब कुछ डाल दिया और सबमिट ऑफर कर दिया। मैं सब नहीं सेंड कर रही हूँ क्योंकि ये मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल के तौर आगे चलते हैं। अब बात कुछ इस तरह की है कि मुझे अपने बायर जो मुझे शो हो रहे हैं इनके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए कि भाई ये बंदा है, अब मुझे नहीं पता चल रहा कि ये कौन है, कितना ये ऑथेंटिक है, क्या इसका नाम है, क्योंकि यहाँ पर देखें इसने अपने जो है प्रोफाइल पिक्चर की जगह कुछ भी नहीं लगाया हुआ, तो इसके नाम का पहला जो वर्ड है वो मेरे सामने यहाँ पर अपेयर हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी कि सिंपल मैंने क्या किया कि अब मुझे इसका यूज़र नेम मुझे चाहिए, ठीक है। मैंने क्या किया, सिंपल मैंने किसी भी वाइट स्पेस पे जाके यूँ क्लिक किया और यहाँ से गए व्यू पेज रिसोर्स पे। जब व्यू पेज रिसोर्स पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक पेज हमारे सामने अपेयर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली अपने कीबोर्ड से जाकर प्रेस करना है Ctrl+F। जब आप Ctrl+F को प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर सर्च बार अपेयर हो जाएगी। जब सर्च बार आपके पास अपेयर हो जाए तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ जाके लिखना है यूज़र नेम, ठीक है। यूज़र नेम आपने लिखा और आपने जाकर कर दिया एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा,
क्लिक किया तो ये देखें जहाँ पर, यहाँ पर आपको ये इस तरह की बार्स, किसी के पास ज़्यादा शो होंगी, किसी के पास कम शो होंगी, अगर इस तरह की बार्स शो हो रही हैं इसका ये मतलब है यहाँ कहीं पर इसका यूज़र नेम लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद थोड़ा सा क्लोज करके दिखा दूँ, ये देखें ये यूज़र नेम इसका अपेयर हो रहा है। ठीक है, लिखा हुआ है ये इसका यूज़र नेम है। ठीक है, मैं क्या करूँगी, ये देखें ये वाले का ये अपेयर हो रहा है। ठीक है, मैं क्या करूँगी, मैंने जस्ट सिंपल यहाँ से जाके कॉपी किया, मैं दूसरे एक और पेज पर आई और ये मैंने यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैंने देखा ये रिज़ल्ट इसके अपेयर हो रहे हैं इस वाले के। ठीक है, इस वाले के ये रिज़ल्ट अपेयर हो रहे हैं क्योंकि मैंने सबसे पहले यूज़र जो था, मैंने बायर जो था उसी पर ही क्लिक किया है, तो मेरे पास सामने ये वाला जो यूज़र था, सॉरी बायर था, इसकी ये मेरे सामने कंप्लीट प्रोफाइल खुल गई है। अच्छा, इस वाले को खोलने का क्या तरीका है, आपने एक और दफ़ा एंटर दबाया। ठीक है, एक और दफ़ा एंटर दबाया। ठीक है, ये आपके पास अगला आ गया, ये आपके पास अगला आ गया, ये आपके पास, इस तरह करके ये वो मकसूद साहब हैं, पता चल रहा है क्योंकि ये कोई पाकिस्तानी लग रहे हैं, ये मकसूद साहब हैं। यहाँ पर ये देखें ये नाम इनका लिखा है। ठीक है, इसी तरह आप इसको जब प्रेस करते जाएंगे तो आपके सामने मज़ीद जो रिक्वेस्ट जिन सेलर बायर्स ने भेजी हुई वो आपके सामने खुलती जाएंगी। ठीक है, और आपके पास ये जो डिफरेंट खुल रही हैं आप इनको बिल्कुल इसी तरीके से सर्च करते जाएंगे। जैसे मैं इसको सर्च करके देख लेती हूँ, अब मैं आपको बताऊँगी इनको सर्च करने का मुझे फ़ायदा क्या होगा। ठीक है, मैं गई, मैंने सिंपल लिखा और मैंने ये देखें ये मेरे सामने इसकी भी प्रोफाइल अपेयर हो गई। अब मुझे इसका लिखने का क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे मुझे इसके बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये कब से काम कर रहा है। ठीक है, पता चल रहा है कि इसने, अगर मैं इन लोगों को जाके सर्च करूँ तो मुझे मज़ीद पता चल जाएगा कि ये कैसा काम ले रहा है, किन किन लोगों से ले रहा है, ये किन को प्रेफर करता है, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ से पता चल जाएंगी। जैसे कि मैंने जब इसको लिखकर सर्च किया तो ये देखें मेरे सामने ये अपेयर हो गया। ये बेसिकली इसने ब्लॉग्स बनवाए हुए हैं। ठीक है, और इससे यकीनन ये इसने अमेज़ोन का काम कराया हुआ है क्योंकि ये वेबसाइट भी बनाता है, अमेज़ोन, ईबे, अली एक्सप्रेस वगैरह को ये कवर कर रहा है जो सेलर है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसने एक हफ्ता पहले और 3 दिन पहले इस तरह का काम कराया हुआ है, ये एक ऑथेंटिक बायर है। ठीक है, इसी तरह जिस दूसरे को मैंने सर्च किया था वो ये है, मैं इसको भी सर्च कर लेती हूँ, ये 2021, ये अभी अभी का, ये 1-2 महीने पहले का है। ठीक है, इसी तरह मैंने क्या किया कि मैंने इसको लिख कर सर्च किया, अब इसके भी रिजल्ट्स मेरे पास आ गए हैं कि ये आर्टिकल की कोई पाकिस्तानी है। अब ये बंदा पाकिस्तानियों को प्रेफर करता है, ये देखें मोहम्मद अल अमीन। ठीक है, ये मुसलमानों से काम करवाता है, बहुत सारे इस तरह के बायर्स होते हैं जो स्पेसिफिकली मुसलमानों से या पाकिस्तानियों से, बांग्लादेशियों से, इंडियन से काम करवाना पसंद नहीं करते, तो आपकी बायर रिक्वेस्ट वेस्ट भी हो सकती है कि अगर आप बायर रिक्वेस्ट सेंड कर दें और पता चले वो आपको रिस्पॉन्स ही ना करें। ठीक है, तो आप क्या करते हैं इस तरह सर्च करें, इससे आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये पाकिस्तानियों से काम करवाएगा। ठीक है, अच्छा बैक टू दी पॉइंट, इस तरह आपको ये भी पता चल गया कि जिस जो यूज़र नेम इस बंदे ने लगाया हुआ ही नहीं है तो ये बंदा कौन है। आप इसके डायरेक्ट, आप इससे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह जी आपको पता चल जाता है कि ये बंदा कौन है और ये क्या काम करवा सकता है।
बाय रिक्वेस्ट में ही आपका सैम्पल डालने का तरीका मैं आपको बताने लगी हूँ, ठीक है। आपने क्या किया था, सेंड ऑफर पे आपने क्लिक किया था, आपने सब कुछ लिखा था और आपने ऑफर को क्रिएट कर दिया। फर्ज करें ये मेरी यहाँ पर ऑफर क्रिएट हो रही है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आप सिंपल अपनी गूगल ड्राइव में जाएंगे, वहाँ से आपने जाकर जो भी आपका सैंपल है, जो आपने बना के रखा हुआ है, नहीं बना के रखा हुआ, आपने दोस्तों से पकड़ा हुआ है, दोस्तों से नहीं पकड़ा हुआ, तो आपने फ्री कंटेंट कहीं ना कहीं से लेकर आपने उसको रीराइट करके रखा हुआ है, ठीक है। आपने क्या करना है कि आपने सिंपल जाके इसके ऊपर जो है राइट क्लिक करना है, यहाँ से जाके गेट लिंक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर जाके आपने क्या करना है, रिस्ट्रिक्टेड को एनीवन एनीवन विद द लिंक, इसको आपने कॉपी किया ठीक है। आप गए कटली पर, चले गए CUTTLY.LY, ठीक है। कटली पर आप गए, यहाँ पर ही आपको ऑप्शन देता है कि आप अपने जो आपका लिंक है उसको शॉर्ट कर दें, और आपने सिंपल यहाँ पर जाके शॉर्ट इन कर देना है, ठीक है। शॉर्ट इन करने के बाद ये देखिए शॉर्टकट किसने आपको प्रोवाइड कर दिया, आपने जस्ट इसको कॉपी करना है, ठीक है, और आपने यहाँ आकर इसको पेस्ट कर देना। ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है अपने आपने सैम्पल्स अपने जो आपके बायर्स हैं उनको सेंड करने का अपने डिस्क्रिप्शन में सबसे बेस्ट तरीका होता है। अदरवाइज मैंने आपको बता दिया, अगर आप ये लिखकर उसको सेंड करेंगे काइंडली कम इन माई बिग इनबॉक्स एंड आई विल शो यू माई सैम्पल्स, तो ये भी एक बेहतरीन तरीका मौजूद है, ठीक है। आगे चलते हैं, चलते हैं अब हम लोग कस्टम ऑफर की तरफ। व्हाट इज कस्टम ऑफर, चलते हैं अब आगे की तरफ। को एक तरीका कार मैंने आपको बताया कि बायर रिक्वेस्ट क्या होती है, दूसरा तरीका ये होता है कि ये जो आपके मैसेजेस यहाँ पर शो हो रहे हैं, यहाँ पर एक वक्त में आपके पास कहीं जो है मैसेज आया है, जिस यहाँ पर लाल रंग का एक छोटा सा जो है डॉट अपेयर हो जाता है, आपको फौरी तौर पर पता चल जाता है कि फाइवर पे आपको मैसेज आया, आपने जाकर उस पर क्लिक किया, इनबॉक्स में गए और आपने देखा कि जो है यहाँ पर क्या काम है जो आपका बायर आपसे चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक छोटी सी मैं चीज़ को डिस्कस करना चाहूँगी कि जितना आप अपने बायर को अपने साथ अपने जल्दी अपने साथ इंगेज करेंगे, एक ये चीज़। दूसरा, जितना इंगेज करेंगे, दिस इज़ द सेकेंड थिंग, एक तो आप जितना जल्दी रिप्लाई करेंगे बायर आपके पास उतना ही आप पर ट्रस्ट करेगा, क्यों? क्योंकि उसके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, सेलर ज़्यादा होते हैं, बायर्स कम होते हैं, ऑब्वियसली हमेशा ऐसे होता है जैसे आप मार्केट जाते हो, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है कि एज क्विक एज पॉसिबल एक तो उसको रिप्लाई करना होता है, द सेकेंड थिंग इज़ कि उसको अपने क्वेश्चंस में घुमा कर इंगेज करें, ठीक है। अगर कोई बायर आया और उसने आकर पूछा क्या तुम ये मेरा काम कर सकते हो, आप उसको इंगेज करो, उससे 5-10 मिनट कॉन्वर्सेशन करो और उससे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछो रिलेटिव टू योर वर्क, ठीक है। उल्टे सीधे कोई नहीं, नो सर नो मैम, रिकमेंडेड नहीं है किसी, कोई सर कोई मैम कोई डियर ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो कोई आपका रिश्तेदार नहीं लगता, ठीक है। उसको इस तरह हमारी ज़रूरत है, वो अपने काम से हमारे पास है, वी प्रोफेशनल, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई, दूसरा क्या हो गया, इस बंदे ने मुझको ऑर्डर प्लेस किया हुआ है तो मैं जो हूँ आपको डायरेक्ट यहाँ से बताती हूँ कि इस बंदे ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, मैंने क्या किया, कहा कि ठीक है जी मैं कर सकती हूँ। इस बंदे ने मुझसे ये बात की थी कि मैं डायरेक्ट आपको जो है वो ऑर्डर प्लेस करता हूँ, मैंने कहा ठीक है, क्योंकि जो ये काम चाह रहा था वो मेरी जो मेरे मैंने इससे डिस्कशन की हुई थी क्या कहते हैं मेरे जो पैकेजेस हैं उसके हिसाब से, उसने कहा जी मैं आपको पैकेज खुद ही चूज़ करके ऑर्डर कर दूँगा, मैंने कहा ओके श्योर गो फॉर इट, ठीक है। अब चलते हैं आगे कि हम लोगों ने ऑफर किस तरह क्रिएट करनी है किसी बायर के लिए, ठीक है। हम गए सिंपल क्रिएट एन ऑफर में, हम लोगों ने जाके अपनी जो भी गिग रिलेटेड टू योर वर्क है उसके ऊपर गए। अब यहाँ पर मेरे पास दो तरह की पेमेंट अपेयर हो रही है, एक पेमेंट है सिंगल पेमेंट और दूसरी है माइलस्टोन्स, ठीक है। सिंगल पेमेंट का ये मतलब है कि अगर आपका बायर जो है किसी छोटे बजट पे काम प्रोवाइड कर रहा है और सॉरी चाह रहा है तो आप जो है सिंगल पेमेंट पे चले जाएं, अगर वो बड़ी पेमेंट भी एक ही दफ़ा अफोर्ड कर सकता है तो एक ही दफ़ा में कर लें, ठीक है। लेकिन अगर कोई बायर इस तरह है जो ये कहता है कि पहला ड्राफ्ट आपने मुझे इतने टाइम पर देना है और दूसरा ड्राफ्ट आपने मुझे इतने टाइम पर देना है, उसके लिए मैं माइलस्टोन्स पे जाऊंगी, ठीक है।
प्रेफर मैं सिंगल पेमेंट को करती हूँ। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ये मुझे दो ऑप्शन दे रहा है, एक ही ऑप्शन दे रहा है कि सेलेक्ट आप अपने पैकेज को सेलेक्ट कर लें डायरेक्ट, दूसरा ये मुझे ऑफ़र दे रहा है कि अपनी जो ऑफ़र है यहाँ पर डिस्क्राइब कर दें। ठीक है, अगर आपको पैकेज आपके बायर को नहीं पता कि ख़ुद किस तरह ऑर्डर प्लेस करना है, आप यहाँ से डायरेक्ट पैकेज को जो है सेलेक्ट करेंगे और उसको ऑफ़र बनाकर भेज देंगे। अदरवाइज़ आप यहाँ पर जाकर अपनी ऑफ़र को डिस्क्राइब करें कि वो क्या काम चाहता है और आप उसको क्या क्या काम किस किस तरह प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि वो अगर चाह रहा है 1000, वो चाह रहा है ओरिजिनल वर्क हेल्थ केयर आर्टिकल, आप लिखोगे यस 1000 words, आपने लिखा है यस ओरिजिनल वर्क, ठीक है, इस तरह करके आप यस आगे लिख दिया आपने प्लैजरिज्म फ्री, यस, और इस तरह की जो भी उसकी डिमांड्स हैं वो आप यहाँ पर लिखते जाओगे। ठीक है, आगे आ जाए। फिर ये मुझसे पूछ रहा है कि रिविजन्स कितने हैं, रिविजन्स मेरी मर्ज़ी है कि मैं कितने दूँ, डिलीवरी 3 days हो गई, प्राइस $10 है या $20 है, चले मैंने वो लिख दिया, ऑफ़र एक्सपायरेशन टाइम ये मांग रहा है, ये मैंने डाल दूँगी कि ये ऑफ़र कितने दिनों में तक वो एक्सेप्ट कर सकता है, 7 days डाल दी, और ये सारी चीज़ें करके सेंड ऑफर दी। एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये होता है कि बायर जो है आपको डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर दे। ठीक है, ये तीसरा तरीका है। ठीक है, तीन तरीकों से हम लोगों के, मतलब मेरे पास समटाइम्स इस तरह के बेचारे कोई नया कोई सेलर वो आता है, वो कहता है कि मुझे पता ही नहीं चला कि ऑर्डर प्लेस भी हो गया, क्योंकि जी मैसेज आया हुआ था लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो मैसेज है, ऑर्डर है, वो क्या है। तीसरी चीज़ होती है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, डायरेक्ट बायर ने आपको तलाश किया और ऑर्डर प्लेस कर दिया, उस पर आपका डायरेक्ट इस तरह का एक पेज ओपन हो जाता है जो मैं आपको शो करने लगी हूँ। ठीक है, इस तरह का आपके सामने एक पेज ऑप्शन, पेज इस तरह का खुल जाएगा। ठीक है, इस तरह का एक पेज खुल जाएगा जहाँ पर यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ होगा सेंड डिलीवर योर ऑर्डर। ठीक है, इस तरह का, और यहाँ पर उसका टाइमर चल रहा होगा। यहाँ तक क्लियर हो, आगे चलते हैं। आगे मैंने जैसे आपसे तذکرہ किया था कि मैं आपको बताऊंगी कि आप बायर्स, रिपीटेड बायर्स कैसे गेन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसकी बहुत ही इजी टिप्स मैं आपको बताने लगी हूँ जो आपके बिज़नेस को बहुत बूस्ट भी करेंगी। ठीक है, उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि आप उसको कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करें। आपको बायर एक आया है और वो आपसे काम करवा रहा है, उसको भाई अगर वो आपसे 3 logo मांग रहा है, आप लोगों डिज़ाइनिंग करें, 3 logo मांग रहा है, आप उसको 4 logo बना के दें। ठीक है, अगर वो आपसे कोई PPT बनवा रहा है, ठीक है, तो आप उसको एक स्लाइड एक्स्ट्रा बनवा के दें, उसे कहें यू कैन यूज़ दिस वन और दिस वन। ठीक है, इसके अलावा वो आपको, अगर वो आपसे कोई चीज़ लिखवा रहा है तो आपने पहले जब फर्स्ट करें, वो आपसे ब्लॉग राइटिंग करा रहा है, आप उसे एक ज़बरदस्त सा ब्लॉग लिख कर दें, साथ ही आप उसको 10-15 लाइंस एक्स्ट्रा लिख कर साथ ही अटैच कर दें, उससे कहें अगर तुम्हें नहीं कुछ समझ में आ रहा कहीं से, तुम चाहते हो कि चेंज कर दें तो काइंडली इनको तुम एक नज़र देख लेना, तुम्हें समझ में आता है तुम इसको ऐड कर देना। इसके अलावा फर्स्ट करें कोई बोनस में कोई चीज़ हो जाती, इस चीज़ को आपने बोनस लिख कर सेंड करना है कि आई एम गिविंग यू दिस बोनस बिकॉज़ यू आर, आप मेरे पास मेरी जो है फर्स्ट टाइम आए हो। ठीक है, तो ये मैं आपको बोनस देना चाहता हूँ। ठीक है, अब आपका बायर आपसे इतना इम्प्रेस होगा कि वो बार बार आपके पास आएगा। फर्स्ट करें कि अगर आप रेज्यूमे राइटिंग करें तो आपने क्या किया, रेज्यूमे के साथ अटैच कर दी सर अशरफ चौधरी की एक किताब है क्राफ्ट ऑफ सेलिंग योरसेल्फ। ठीक है, उसका मैं इंशाल्लाह आपको PDF लिंक भी सेंड कर दूँगी। अगर आपने सेंड करना है, आप उसको साथ के साथ ये अटैच करके भेज दें, उसे कहें कि ये बोनस है और ये तुम्हारे करियर काउंसलिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किताब है, इसको रीड करो। ठीक है, ये मैं बोनस तुम्हें दे रही हूँ। इसके अलावा क्या आ जाती है कि रेटिंग, गुड रेटिंग। बायर आया आपके पास, उसने आपको काम प्रोवाइड किया, आपने क्या किया कि
उसको उसने आपको ये रेटिंग प्रोवाइड किया, आपने उसको रेटिंग बैक किया है, ठीक है, इट वॉज रियली गुड टू वर्क विद यू, इट्स माई सेकेंड टाइम आई कंप्लीटेड योर वर्क एंड यू आर सेटिस्फाइड। ठीक है, अब आपने क्या किया कि आपने इस तरह करके इसको इसको ही आपने रिस्पॉन्स बैक कर दिया। ठीक है, उसने आपको 5 स्टार्स रेटिंग दी, वो उस तक तक मेरे पास नहीं अपीयर होगी जब तक कि मैंने उसको उसको रिस्पॉन्स नहीं दे दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, ये एवरीवन कैन सी दीज रेटिंग्स प्लस दिस मैसेज, एवरीवन, यानी कि ये मेरे पास अपीयर हो गया है कि मैंने भाई मेरे जो मेरा बायर था उसने मुझे 5 स्टार रेटिंग दी, और यहाँ पर ये मैंने मेंशन कर दिया कि ये मेरा तुम्हारे साथ सेकंड टाइम है। ठीक है, ये मैं काम कर रहा हूँ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ टाइम। अब जब ये सेकंड टाइम कोई तीसरा बायर आकर देखेगा ना, तो वो ये कहेगा कि ये जो है सेलर अच्छा है और अच्छा काम प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज़ वाई मेरा ये बायर मेरा रिपीटेड बायर है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगली चीज़ है कम्युनिकेशन, आप काम भी अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोफेशनलिज्म भी है, लेकिन आपके पास कम्युनिकेशन नहीं है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो बायर अगर आपके इनबॉक्स तक अगर कोई बायर आ गया और आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर सके तो आप अच्छे सेलर नहीं हैं। ठीक है, उसके साथ बेहतरीन कम्युनिकेशन रखें, फ्रेंडली कम्युनिकेशन रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर वो इसी काम से रिलेटेड किसी को सर्च करे तो उसके माइंड में हो कि भाई ये वाला सेलर ज़बरदस्त किस्म का है और मुझे रिपीट इसी के पास जाना है, किसी और के पास नहीं जाना। आप अपनी फाइवर की प्रोफाइल को अपने मोबाइल में फाइवर की एप्लीकेशन के थ्रू जो है आप डाउनलोड करें और 24/7 आप इससे ऑनलाइन रहें। ठीक है, ऑनलाइन रहने का ये फ़ायदा होगा, एक तो आपने अपने मोबाइल को देन अपने जो है उस पर नहीं रखना, साइलेंट पे नहीं करना। ठीक है, फिर ये होगा कि अगर आपके पास कोई भी रात में जैसे बायर आपको मैसेज सेंड करता है तो आप उसको क्विक रिस्पांस दे सकते हो। ठीक है, ये भी एक तरीका है। तो ये 3-4 टिप्स हैं इसके ऊपर, इंशाल्लाह आप जिस तरह अमल करेंगे तो आपके बायर रिपीटेड बायर बन जाएंगे। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द रेजोल्यूशन सेंटर। ठीक है, रेजोल्यूशन सेंटर जैसे के नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, नीड टू कॉन्टेक्ट कस्टमर सपोर्ट जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। ठीक है, अगर आपको आपके बायर के साथ कोई इशू है या बायर को आपके पास इशू है तो बायर और सेलर दोनों के पास ये ऑप्शन आ रही होती हैं कि वो रेजोल्यूशन सेंटर से कॉन्टेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब मैं गई अपने रेजोल्यूशन सेंटर पे। अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ें थोड़ी चेंज होती रहती हैं, कभी किसी के पास किसी किस्म की जो है अपेयर हो रही होती है, कभी किसी किस्म की अपेयर हो रही होती है। चूँकि ये मेरे पास जो है ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ से जाकर देखती हूँ। ठीक है, यहाँ पर सबमिट अ रिक्वेस्ट आ रही है और ऑर्डर इशू आ रहा है, क्या इशू है। ठीक है, जब मैं इसके ऊपर गई हूँ तो ये ऑर्डर इशूज़ आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप डिफरेंट चीज़ों को यहाँ पर आप बता सकते हैं जो आपको जो आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो। ठीक है, फिर ये क्या, आई वांट टू कैंसिल माय ऑर्डर या जनरल क्यूरीज, ये भी आप बता सकते हैं। आई वांट टू कैंसिल माय ऑर्डर पर अगर मैं कैंसिल करती हूँ तो आई एम बाइंग ऑन फाइवर, आई एम सेलिंग ऑन फाइवर, प्लीज़ सीम्स टू बी व्हाट सीम्स टू बी द प्रॉब्लम इज़, फिर आप ये सारी चीज़ें मैं नहीं करूँगी ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा ऑर्डर जो है कंप्लीट हो चुका है और बड़ा ज़बरदस्त मेरा बायर है। बाहर आगे देखते हैं, द बायर ऑर्डर्ड बाय एक्सीडेंट यहाँ पर आ गए, ये आपके पास सारी चीज़ें खुल गई और ये आपने क्या करना है, वो कहते हैं फिर स्टिल नीड एनी हेल्प विद दिस इश्यूज, आपने ये सारी चीज़ें करनी है, गो टू मैनेज ऑर्डर्स पे जाना है कैंसिल करने के लिए। मैं नहीं करूँगी, अगेन मैं बता रही हूँ, क्योंकि मेरा ऑर्डर कंप्लीट है। अगर कोई चलता हुआ जो है वो
ऑर्डर हो या फिर आपके पास कोई जो है कोई ऐसा बायर हो जो स्पैम मैसेजेस कर रहे हो, तो यहाँ पर कुछ डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे होते हैं और वो बहुत ही सिंपल स्टेप्स होते हैं, उसको आपने फॉलो करना है। और आपने जो है जस्ट रिक्वेस्ट को, यहाँ पर आ रहा होता है कि रिक्वेस्ट को पोस्ट कर दें, और आपने रिक्वेस्ट को पोस्ट कर देना होता है। जब आप रिक्वेस्ट को पोस्ट करते हैं तो फिर आपका जो है वो आप सीधा पहुंच जाती है आपकी रिक्वेस्ट फाइवर की टीम के पास, और फाइवर फिर उसको खुद ही रिजॉल्व करती है। एक और चीज़ मैं यहाँ से मेंशन करूँगी, हेल्प एंड सपोर्ट। व्हाट इज़ हेल्प एंड सपोर्ट? यहाँ पर भी ये अगेन डिफरेंट वक्तों में डिफरेंट टाइप्स के खुल रहे होते हैं। अगेन फाइवर जो है इन चीज़ों को चेंज कर लेता है, लेकिन घूम फिर कर सारी चीज़ें यही हो रही होती हैं। इसके अलावा नथिंग न्यू जो वो ऐड कर रहा होता है या फिर कोई चीज़ ख़त्म कर रहा होता है। यहाँ पर देखें, आप डायरेक्ट हेल्प एंड सपोर्ट पे जा सकते हैं। यहाँ पर ये आपको कुछ चीज़ें शो कर रहा है, आपने क्या करना है के रिलेटेड टू योर वर्क पे जाना है। फ़र्ज़ करें कि मैं सेलर हब पे जा रही हूँ, मुझे इन सारी चीज़ों में से कुछ नहीं चाहिए। मैं गई डायरेक्ट, अपना मैंने पेज को स्क्रॉल डाउन किया, हैव मोर क्वेश्चंस, वी आर हेयर टू हेल्प। अगर इन सारी चीज़ों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं होगा, आप यहाँ गए, आपने जाकर अगेन यहाँ पर अपनी, फर्ज करें मुझे अकाउंट का कोई इशू है, मैंने यहाँ किया क्लिक, आया माई सेलर अकाउंट किया, प्लीज़ सेलेक्ट माई अकाउंट इज़ नॉट, यहाँ से मैंने कुछ जो भी रिलेटेड टू माई वर्क है, ठीक है ये मैंने किया। और उसके बाद मैंने सब्जेक्ट लिखा और डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन लिखी। यहाँ पर ये मुझे ऐड फाइल्स का ऑप्शन दे रहा होता है, इसका ये मतलब है कि अगर मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है जो फाइवर को नहीं पता चल रही, मैं क्या करूँगी कि डायरेक्ट उसकी स्क्रीनशॉट लूँगी, यहाँ से अटैच करूँगी और सबमिट रिक्वेस्ट करूँगी, ठीक है। और इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। देयर इज़ नथिंग न्यू जो आप लोग जो है कहीं और से आपको कोई क्वेश्चन आए जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो। अव्वल तो इस लेक्चर में बहुत क्लियरली बहुत सारी चीज़ें इस तरह की जो डिस्कस हो गई, जो इन फ्यूचर आपके लाजमन लाजमन इस्तेमाल में आएंगी। अगर इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आप इन फ्यूचर जो है आपको रिक्वायरमेंट होती है, नहीं समझ में आता, क्यूरी होती है आप कोई किसी भी किस्म की, आपने सिंपल व्हाट्सएप पे मुझे टैग करना है जो आपका ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर, और आपने अपनी क्यूरी वहाँ पर छोड़ देनी है। इंशाल्लाह ताला कल के लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।